हेलो सीए पे एस्पिरेंट्स। तो ये पहला वीडियो सेशन है जिसमें मैं सीएपीएफ पेपर टू एग्जाम 2024 एग्जाम के मैं क्वेश्चंस रिलीज कर रही हूँ, और ये क्वेश्चंस हैं एसए के। तो पहला जो क्वेश्चन है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन कॉजेज एंड इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से सेट किया है, जैसे कि आपने अगर देखा होगा लास्ट ईयर यूपीएससी का पेपर टू का क्वेश्चन पेपर में प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट आया था, तो वैसे ही मैंने मिलता जुलता क्वेश्चन सेट किया, फूड प्राइस इन्फ्लेशन कॉजेज एंड इफेक्ट। फिर सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया नीड्स टू क्लीन इट्स पॉलिटिक्स। बहुत करंट है ये क्वेश्चन, अगर हम देखें इलेक्शन आ ही रहा है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, सोशल मूवमेंट्स कैन स्पार्क मच नीडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। आप लोगों को पता है कि जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है वो बहुत हद तक थोड़ा सा इरोड हो रहा है, या थोड़ा शेक हो रहा है। ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है कि काफी जो गवर्नेंस है वो काफी सेंट्रलाइज हो रही है। ठीक है, पार्लियामेंट्स में डिबेट्स नहीं हो रहे, विदाउट डिबेट्स विदाउट डिस्कशन बिल पास हो रहे हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मूवमेंट क्या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेकर आ सकता है या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन ग्रोइंग थ्रेट टू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। फिर से ये वही है, डेमोक्रेटिक आई मीन इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया का मैनिपुलेशन से किस तरह से वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को थ्रेटन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन टूरिज्म, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव और इंडिया में जो एक रिफ्ट क्रिएट हुई है, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से, या ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप को एज अ टूरिस्ट प्लेस प्रमोट किया, तो लक्षद्वीप को प्रमोट करने से आज कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो लक्षद्वीप जाना चाहेंगे, तो लक्षद्वीप जाने से टूरिस्ट का, उससे लक्षद्वीप के जो एक इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अभी न्यूज में आया है कि टाटा ग्रुप्स वहां पे लक्षद्वीप में होटल भी बनाएंगे, तो उससे किस तरह से वहां का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो थ्रेटन होगा, उसकी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन टूरिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोशल सिक्योरिटी टू ऑल द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ डिसेंट वर्क एनवायरमेंट। हमें पता है कि इनफॉर्मल लेबर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव जुडिशरी अपहोल्ड द प्लूरलिज्म ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म का मतलब डाइवर्सिटी, तो किस तरह से जुडिशरी उस डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकता है। अब रही बात इंक्लूसिव जुडिशरी, तो इंक्लूसिव जुडिशरी का मतलब हुआ कि जुडिशरी जो है उसमें जो मैंने आंसर लिखा, अभी तक मैंने इसके आंसर पोस्ट नहीं किए, मैंने फर्स्ट फाइव आंसर पोस्ट कर दिए हैं। इंक्लूसिव जुडिशरी का मतलब होता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट स्ट्रेटा है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी हो, ठीक है, या अपर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जुडिशरी में हर एक क्लास का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये है इंक्लूसिव जुडिशरी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो जुडिशरी बेसिकली डोमिनेटेड बाय अपर क्लास, और अब देखेंगे तो रिजर्व कैटेगरी वाले बहुत कम है जुडिशरी में, ठीक है, जजेस अगर हम देखेंगे तो, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल इकोनॉमी या हम कह सकते हैं इट इज मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड, तो हम किस तरह से रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हम उसमें जो किसान है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे न निर्भर होके और भी कई छोटे मोटे ऑक्यूपेशन से उसमें हम वो निर्भर हो सकते हैं, तो किस तरह से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट इन सॉरी नेक्स्ट है शिफ्ट्स इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अगर सेंटर और स्टेट का सेम पार्टी गवर्नमेंट है तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, मगर डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिलेशनशिप को
इन्फ्लुएंस करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आर रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर, उसके वजह से ट्रेड इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब जो इसराइल के साथ हो रहा है, सेंट्रल एशिया में जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो वो ग्लोबल ट्रेड को कैसे इफेक्ट कर रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट। देखिए जो हायर एजुकेशन है ना वो बहुत ज्यादा अपने आप को कह सकते हैं कि एलिनेट कर रहा है सोसाइटी से। जो हायर एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं वो सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन ही उन लोगों का नहीं है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन को देखा जाता है अपने पर्सनल एनरिचमेंट के लिए कि हमने हायर एजुकेशन लिया, डिग्री मिली, बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं, बस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हायर एजुकेशन को किस तरह से इंटरमाइन करे कम्युनिटी एंगेजमेंट से। नेक्स्ट है इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द शैडो ऑफ द चाइना चाइना थ्रेट। तो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो मिलिट्री है वो हाईली मॉडर्नाइज्ड है और इंडिया का मिलिट्री से अगर हम कंपेयर करें तो किस तरह से चाइना के थ्रेट को ओवर पावर करने के लिए या चाइना के जो मिलिट्री को ओवर पावर करने के लिए इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन वो कितनी हद तक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजीज आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ आवरसेल्फ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बेस्ड है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल हम टेक्नोलॉजी पे पूरा का पूरा निर्भर है। कल मेरी क्लास बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी, मेरी वीडियो क्लासेस तो नहीं थी, कल मुझे इवैल्यूएशन करवाना था करना था और ना मेरा वाईफाई एकदम पूरा खत्म हो चुका था, पूरा डिस्टर्ब था, तो मैं इवैल्यूएशन नहीं कर पाई क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ टेक्नोलॉजी पे अपने सारे काम करने में। तो हम टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंट हो गए, तो हम इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम डिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअली वो हमारा ही खुद का एक्सटेंशन है। तो कैसे है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय रश्मि। नेक्स्ट ऐसे है ट्रेड कैन डीकार्बनाइज द ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए एनवायरनमेंट हमेशा से इश्यू रहा है, कार्बन एमिशन की वजह से आपको पता ही है। ठीक है, तो किस तरह से जो ट्रेड है वो ग्लोबल इकोनॉमी को डीकार्बनाइज कर सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। तो ये आप अगर थोड़ा सा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स आर रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम एक्सक्लूजन और जस्टिस, कहने का मतलब है आज रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, ठीक है, इसराइल पैलेस्टाइन का हो रहा है, तो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग डिकेड लॉन्ग से वो लोग जितने मतलब कि वर्ल्ड नेशंस हैं उन लोगों को एक्सक्लूड करके रखा है, उन लोगों को अन्याय मिला हुआ है, इसकी वजह से वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। फाइन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। साथ में अगर आप लोगों को ग्रामर का बैच ज्वाइन करना है CAPS का, तो ₹159 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब प्रीमियम में। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9599667731 में, कोई भी क्वेरी हो। चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक आ चुकी है, न्यू एडिशन अवेलेबल है ऑन CAPFrashmi.com और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू होगी मार्च में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।